नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,000 से नए केस आए सामने। एक दिन में 325 लोगों की मौत। देश में एक दिन में 19,206 मरीज रिकवर हुए। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 285,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,538 नए केस आए सामने। एक दिन में 20 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना के 2,265 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 2 मरीज की जान गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,665 केस आए सामने। एक दिन में 8 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। यूपी में एक दिन में कोविड ने 992 नए केस सामने आए हैं। केरल में कोरोना के 2,506 नए मामले सामने। पिछले 24 घंटे में 71 संक्रमितों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 9,000 के पार। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,078 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना नियमों के लिए प्रशासन सक्रिय। तमिलनाडु में कोरोना के 2,731 नए मामले सामने आए हैं और 9 संक्रमितों की मौत हुई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2,176 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 2 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के 1,178 नए मामले सामने आए। सरकार के लोगों ने मास्क पहनने की अपील की है। देशभर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैल रहा है। देश के 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 2,630 केस मिले हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 144 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 797 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए केस सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 465। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 236 मामले सामने आए। वहीं 86 मरीज रिकवर हुए। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 121 हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। केरल में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन से अब तक 234 केस हो गए हैं। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 226 केस हुए हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा दी। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के 204 मामले हुए। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 97 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। यूपी में ओमिक्रॉन के अब तक 31 केस मिल चुके हैं। वहीं 6 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में ओमिक्रॉन की संख्या 35 हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश ओमिक्रॉन की कुल संख्या 106। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 34 केस एक्टिव हैं। वहीं 72 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के प्रदेश के 11 जिलों कोविड रेड जोन में शामिल किए गए। जरूरी चीजें छोड़कर के सभी तरह के मार्केट बंद। प्रदेश में आज से शाम 6 बजे तक ही बाजार खुल सकेंगे। वहीं 6 बजे के बाद एसेंशियल सर्विसेज ही उपलब्ध होगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर रेड जोन में शामिल है। वहीं कैथल, पंचकुला और अंबाला भी रेड जोन में शामिल किए गए। करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर भी रेड जोन में शामिल किए गए हैं। वहीं 11 जिलों में सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। प्रदेश में सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद किए गए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को छूट रहेगी। बाहरी व्यक्ति और दर्शक को स्टेडियम में एंट्री की अनुमति नहीं होगी। इन जिलों में एंटरटेनमेंट पार्क, बिजनेस एग्जीबिशन पर भी रोक लागू कर दी गई। सरकारी प्राइवेट संस्थानों में 50% स्टाफ को काम करने के निर्देश दिए गए हैं। 12 रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं प्रदेश में पॉजिटिव केसों के आधार पर 11 जिले ग्रुप ए में शामिल किए गए हैं। 12 जनवरी तक सुरक्षित हरियाणा की अवधि बढ़ाई गई। हरियाणा में 3 से 12 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। प्रदेश में दाह संस्कार में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की छूट। शादी में 100 लोग से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे। प्रदेश में कोविड अनुकूल व्यवहार, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी होगी। रात 11 से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। चंडीगढ़ पीजीआई के स्टाफ पर टूटा कोरोना का कहर। 2 दिन में 146 डॉक्टर कर्मचारी संक्रमित। पीजीआई आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है। वहीं मेडिकल स्टाफ रिकवरी में जुट गया है। करनाल में कोरोना का कहर देखने को मिला। एक दिन में 75 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया। कैथल में कोरोना के 10 नए मामले सामने। 26 दिसंबर को जिले में कोई एक्टिव केस नहीं था, लेकिन उसके 10 दिन के अंदर ही कोरोना से एक्टिव केस के शून्य से 22 हो गए हैं।
संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 11,274 हो गई है। 348 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों में 18 को हल्के लक्षण के चलते होम आइसोलेशन में रखा गया। संक्रमण के फैलाव को रोकने पर काम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें संक्रमित के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोगों की जांच कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन और आईसीयू बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 84 और प्राइवेट अस्पतालों में 54 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। एचसीएमएस डॉक्टर्स की हड़ताल पर अनिल विज ने कहा है कि एसोसिएशन को बातचीत के लिए बुलाया गया है। मांगों पर उनके लेवल पर कार्रवाई होकर जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। उनकी पंजाब की फिरोजपुर में बड़ी रैली होनी थी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सड़क पर ही उनके काफिले को रोक दिया। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान भी जारी किया गया। साथ ही साथ पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा गया। बीजेपी ने इस पर सीएम चन्नी से इस्तीफा मांगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है, जहां बीजेपी कांग्रेस सरकार पर पुलिस की नाकामी का आरोप लगा रही है। मैं इस मामले को लेकर के अब उच्च स्तरीय कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद से फैसला लिया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह शर्मनाक कृत्य है कि पंजाब के कल्याण हेतु हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करने पहुंच रहे पीएम मोदी के काफिले को रोका गया। झज्जर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष में अंधी हुई है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक मुख्यमंत्री चन्नी की घटिया राजनीतिक सोच को उजागर करता है। यह सोच समझी साजिश है और देश विरोधी कार्य है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि केंद्र सरकार को तत्काल कांग्रेस के मुख्यमंत्री और फिरोजपुर षड्यंत्र में शामिल देश विरोधी ताकतों को कानूनी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। चंडीगढ़ में डाडम हादसे पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद से मूलचंद शर्मा ने कहा कि हादसे की जिम्मेदारी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृहमंत्री अनिल विज ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने का अनिल विज ने औचक निरीक्षण किया, जहां बड़ी लापरवाही सामने आई। थाने के कई पुलिसकर्मी नदारद मिले। वहीं पिछले 6 महीने में कुल 33 मामलों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस पर गृहमंत्री अनिल विज ने थाना प्रभारी प्रेमचंद समेत 3 पुलिस अधिकारी को निलंबित किया। गृहमंत्री अनिल विज ने दो टूक शब्दों में कहा है कि पुलिसकर्मी अपनी कार्यशैली में सुधार करें। विज ने शाहबाद थाने की हर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। कैथल में कोरोना के 3 और केस मिले हैं। इनमें से जेल में बंद एक 25 साल का कैदी भी शामिल है। दूसरी लहर में जेल में कोरोना के एक के बाद एक संक्रमण के कई मामले सामने आए थे। कैथल के सेक्टर 20 में करीब 55 साल के और सेक्टर 19 में 60 साल का व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित मिला। कैथल में 12 केस पिछले 4 दिन में ही संक्रमित पाए गए हैं। एक्टिव केसों की संख्या में अब 10 संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा है। करनाल में नए साल के 4 दिनों में कोरोना के 137 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। करनाल में 44 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कैथल उपायुक्त पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में एक निजी प्रोग्राम में बिना मास्क के डीसी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिस मीडिया ने में दिखाए जाने के बाद पुलिस की तरफ से मीडियाकर्मियों पर दबाव बनाया गया। इस बात से खफा होकर के कैथल के मीडियाकर्मियों ने डीसी के बदले की बीजेपी जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना की तीसरी लहर ने देश और प्रदेश में एक बार फिर से दस्तक दे दी है। स्थिति लगातार भयावह बनती जा रही है। अंबाला में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के 124 नए केस दर्ज किए गए, जिसके बाद से कोरोना एक्टिव केस की संख्या 351। हरियाणा राज्य परिवहन निदेशक ने कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर एम्बुलेंस चलाने के लिए जीएम से 616 ड्राइवर्स की मांग की। प्रशासन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर अलर्ट हो गया है, जहां नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री नियम लागू कर दिया गया है।
फरीदाबाद में दुकानों के बंद होने का टाइम बढ़ाने की मांग को लेकर के दुकानदारों ने जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि शाम 5 बजे तक समय किसी भी दुकानदार के लिए काफी नहीं है। शाम 5 बजे अगर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी तो काफी सब्जी बच जाएगी और उनकी दुकानदारी पर असर पड़ेगा। सब्जी विक्रेताओं ने सरकार से मांग की है कि समय रात 8 बजे तक के लिए कर दिया जाए। झज्जर में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के चालान काटे गए। पुलिस ने करीबन 50 लोगों के चालान काटे। हरियाणा बीजेपी पर व्यापार प्रकोष्ठ ने हरियाणा सरकार के नाम दिए ज्ञापन देते हुए कहा है कि मार्केट को शाम 5 बजे बंद करने का टाइम बढ़ाया जाए। रतिया नगर पालिका सीमा में नगर पालिका की अनुमति के बिना नक्शा पास करवाए ही निर्माण कराने का काम जारी था, जिस पर अब नगर पालिका की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। बिना अनुमति के दुकान मकान और अन्य इमारतों का निर्माण करने वाले कार्यकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हालात खराब होने पर भारत में रह रहे हिंदू परिवारों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। अगस्त से अब तक फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने 30 से ज्यादा लोगों को भारत की नागरिकता दी है। सोना में बिजली किल्लत से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। विभाग की लापरवाही के चलते सोना के पास लगते करीब 6 गांवों के किसानों को नाम मात्र ही बिजली मिल रही है। करीब 2 महीने से बिजली की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं। इसी परेशानी को लेकर के सभी गांव के किसानों ने बिजली बोर्ड में हल्ला बोला। एसडीओ ने किसानों को जल्द उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। किसानों का कहना है कि पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे उन्हें बिजली मिल पा रही है, जिससे कि उनकी फसल में सही समय पर पानी नहीं लग रहा है। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अदालत में पेश कर कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया। दोनों आरोपियों ने मामले की हाथसुनी पर एक शख्स की चाकू गोद करके हत्या कर दी थी। पानीपत के समलाखा कस्बे में घी व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। व्यापारी का कैश वाला बैग लूट करके बदमाश फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक व्यापारी के बैग में रोजाना 1.5 से 2 लाख कैश होता था। परिजनों का अनुमान है कि 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है। रतिया के बुढ़लाड़ा रोड पर बाबा फर्नीचर हाउस में सुबह भयानक आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। वहीं आस पड़ोस के लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। घंटों बाद दमकल विभाग की मात्र एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बुधवार को दूसरे दिन भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहा। बुधवार को प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे सहित 248 सड़कें बंद रहीं। 140 बिजली ट्रांसफर और 39 पेयजल योजना प्रभावित होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। 8 और 9 जनवरी को दोबारा भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कैथल में बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कैथल में हल्की बारिश से रबी फसल खास करके गेहूं और सरसों को काफी फायदा पहुंचेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 दर्ज किया गया। हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 दर्ज किया गया, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हुई। फरीदाबाद में खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 दर्ज हुआ। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर में पहले से सुधार हुआ है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 दर्ज हुआ। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 दर्ज किया गया है, जहां लोगों को परेशानी हुई है। गुजरात के सूरत में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सचिन इलाके में स्थित विश्व प्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल के 4 कर्मचारियों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सूरत के सचिन GIDC विस्तार इलाके में केमिकल लीक होने के चलते यह हादसा हुआ। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव आज 63 साल के हो गए हैं। आज ही के दिन 1959 में कपिल देव का चंडीगढ़ में जन्म हुआ था। भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग के द वंडर स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला जा रहा है।